अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं नजाहत खान। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज करेंगे इस खबर से कि मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ में दूरियां बढ़ने लगी। उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही की मुलाकात में भी तहफ़ुज़ात दूर ना हुए। परवेज इलाही ने शिकवा किया कि इत्तेहाद के लिए जाने वाले वादे वफा नहीं हुए। वज़ीर आला पंजाब ने मामला वज़ीर आज़म के पास भेजने का फैसला कर लिया। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद में दरारें। काफ लीग से ताल्लुक रखने वाले सूबाई वजीर मादनियात अमार यासिर के इस्तीफे के बाद परवेज इलाही और वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात में भी बर्फ न पिघल सकी। गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काफ लीग के तहफ़ुज़ात दूर न हो सके। जराए ने समा को बताया कि परवेज इलाही ने मुलाकात के दौरान खूब गिले शिकवे किए। चौधरी साहब का कहना था कि मरकज और पंजाब में दो दो वजारतें तय हुई थीं, मगर इत्तेहाद के मामलात पर अमल दरामद नहीं हुआ। वाजे कर दिया कि महंगाई की सूरत हाल और मईशत के हालात ठीक ना हुए तो मामलात आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएंगे। ये मशवरा भी दिया कि मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं, हुकूमत मामलात ठीक करे। उस्मान बुज़दार अहम इत्तेहादी को मनाने में नाकाम। मामला वजीर आजम के पास ले जाने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग काफ ने मशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब से मुलाकात से मुतालिक आगाह करेंगे। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास बताइएगा, इत्तेहाद में दरारें पड़ने लगी। अब्बास शब्बीर से भी राब्ता करेंगे और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ ने मशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में तलब किया है। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब से मुलाकात से मुतालिक आगाह करेंगे। काफ लीग का मशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में तलब किया गया है। काफली की क़यादत इत्तेहाद के मामलात का जायजा लेगी। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब से मुलाकात पर आगाह करेंगे, जबकि चौधरी शुजा, तारिक बशीर चीमा, मोनिस इलाही इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग काफ ने मुशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब से मुलाकात से मुतालिक दीगर पार्टी रहनुमाओं को आगाह करेंगे। चौधरी शुजात, तारिक बशीर चीमा, मोनिस इलाही इस्लामाबाद में ही मौजूद है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, अहम इजलास से करार दिया जा रहा है, क्या अपडेट करेंगे आप? देखिए, दो दिन मशावरत होगी। आज जो गुज़िश्ता रोज वज़ीर पंजाब से मुलाकात हुई थी, उस पर जो तहफ़ुज़ात थे उसको ब्रीफ किया जाएगा सीनियर क़यादत के साथ। ये मशावरती इजलास आज तलब किया गया है। चौधरी शुजात हुसैन, तारिक बशीर चीमा, चौधरी मोनस इलाही, चौधरी परवेज इलाही भी ये बताया गया है कि इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। हुकूमत के साथ इत्तेहाद के मामलात का जायजा लिया जाएगा, जबकि हुकूमत ने इत्तेहाद के वक्त जो वादे पूरे किए थे वो वाजे तौर पर मुस्लिम लीग काफ कह चुकी है कि पूरे नहीं हुए। तो आज मशावरत की जाएगी। गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात के हवाले से भी जो बातें सामने आई हैं उस पर सीनियर क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। ये मशावरत आज भी होगी और कल भी होगी। ये बताया गया है कि अब ये मामला वजीर आजम के पास जाएगा और वजीर आजम इस मामले को हल करेंगे। वजीर पंजाब भी इस मामले को वजीर आजम के पास ले जाना चाहते हैं। तमाम आज मुस्लिम लीग काफ की जो आला क़यादत है वो गैर रस्मी मशावरत करेगी और कल भी बताया गया है कि कल भी इस्लामाबाद में ही होंगे और कल भी मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, आला क़यादत दो रोज तक मुज़ाकरात करेगी, मुशावरत करेगी और ऐसे में खबरें ये भी हैं कि मामला वज़ीर आज़म के पास जाएगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अब्बास। वजीर इत्तला पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, चौधरी बिरादरान बखूबी जानते हैं कि दोस्त कौन और दुश्मन कौन है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुखालिफिन की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। चौधरी शुजा साहब और चौधरी परवेज लाई साहब से ज्यादा जीरक, ज्यादा समझदार, ज्यादा सियासत के उतराव चढ़ाव को जानने वाला और कोई पॉलिटिशियन पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि चौधरी शुजा साहब और चौधरी परवेज लाई साहब के होते हुए नून लीग की क्यादत या नून लीग की हुकूमत कोई फायदा उठा जाएगी। एक चीज तो अपने जहन में क्लियर कर लें कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरे 5 साल वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत पूरे 30 को एहतिशाम के साथ अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मुस्लिम लीग काफ के वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा को उम्मीद है कि पंजाब में पीटीआई के साथ मामलात आज दोपहर तक हल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और ये बात उन्होंने समा से गुफ्तगू करते हुए कही। कोई ऐसी स्टेटमेंट भी हम नहीं देना चाह रहे जिससे अलायंस में कोई इस तरह का मामला दरार आए, कोई इस तरह की कोई गलत फहमियों को मजीद वसत मिले। तो ये कल वजीर आला साहब तशरीफ लाए थे चौधरी परवेज इलाही साहब की गैशगाह पर, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने एक अटेम्प्ट किया है कि इन तहफात को और ये जो ग्रीवेंसेज हैं इनको दूर किया जाए और फर्दर जो भी लाया अमल होना है वो इंशाल्लाह ताला आज मीटिंग होगी बाद दोपहर को, तो उसमें इंशाल्लाह डिसाइड होगा।
इससे पहले पंजाब में काफ लीग के वजीर मदनियात हाफिज अम्मार यासिर ये कहकर मुस्ताफी हो गए कि काम में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, वजीर आला पंजाब के सेक्रेटरी का रवैया ठीक नहीं। तफसीलात देखिए लाहौर से इस रिपोर्ट में। बेजा मुदाखलत का शिकवा, काम में रुकावटें खड़ी करने का इल्जाम, वजीर मादनियात पंजाब ने वजारत छोड़ दी। इस्तीफा चौधरी शुजात और परवेज इलाही को भिजवा दिया। किसी अंडर प्रेशर में मैं अपनी इस वजारत पे काम नहीं कर सकता हूँ, मैंने इसकी अपना इस्तीफा अपनी क्यादत को भिजवा दिया। चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ से जो डॉक्टर रहील सिद्दीकी है, मैं उनकी तरफ उनका जो रवैया है और उनकी जो मुदाखलत है हर काम के अंदर, वो बिल्कुल नहीं है। हाफिज अमार यासिर के मुताबिक वजीर आला के सेक्रेटरी डॉक्टर राहील काम में मुदाखलत कर रहे हैं, उनका रवैया पीटीआई अरकान के साथ भी नामुनासिब है। अमार यासिर ने वजूहात लिखकर अपना इस्तीफा क़यादत को भिजवा दिया है। इससे पहले फवाद चौधरी की जानिब से फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक दिए गए बयान के बाइस भी दोनों जमातों के दरमियान दरार पैदा हुई थी। और अब जिक्र तर्जुमान पाक फौज के बड़े बयान का। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स का कयाम फौज की ख्वाहिश नहीं, कौमी जरूरत है। पार्लियामेंट नहीं चाहेगी तो फौजी अदालतों में तौसी नहीं होगी। देखना यह है कि क्या फौजदारी निज़ाम मौसर हो गया है। फौजी अदालतों की तौसी का मामला, DGISPR का बड़ा बयान, कहा हतमी फैसला पार्लियामेंट को ही करना है। डिसीजन के जी कैसे करना है आगे, हम वो काम करेंगे जैसे कि पार्लियामेंट हमें बताएगी। अगर पार्लियामेंट डिसाइड करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री कोर्ट्स को जारी रखने की आदमी को देती है तो आर्मी ऑर्डर्स के मुताबिक काम करेगी, लेकिन आर्मी की ये सोलो डिमांड नहीं है कि ये होने चाहिए। सानहा APS के बाद फौजी अदालतें क्यों बनाई गई, मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ये भी बता दिया। जो हमारा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम था वो टेररिज्म के केसेस को डील करने के लिए इफेक्टिव नहीं था, तो एक नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू पार्लियामेंट ने डिसाइड किया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो बननी चाहिए, डेथ पेनल्टी रिवाइव होनी चाहिए। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि फौजी अदालतों से दहशत गर्दों पर खौफ तारी हुआ। सिविल कोर्ट्स में हमारा सिस्टम इतना स्लो है कि अभी तक 345 में से सिर्फ 56 केसेस जो है वो फाइनलाइज हुए हैं, तो हमें जो अपना क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है इसमें रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। जिस वक्त ये ठीक हो जाएंगे तो आई एम श्योर कि ये केसेस वहाँ पे चला करेंगे। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं देखने की जरूरत है कि क्या फौजदारी निजाम मुअस्सर हो गया, क्या हमारा फौजदारी निजाम अब दहशत गर्दों से निमट लेगा। फौजी अदालतों में तौसी के मामले पर नून लीग तकसीम हो गई। राणा सनाउल्ला ने तौसी को गैर जरूरी करार दे दिया। शहबाज शरीफ मामले पर मुशावरत का इशारा दे चुके। पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों में तौसी की मुखालफत कर दी। फौजी अदालतों में तौसी के मामले पर सियासी रहनुमा तकसीम। राणा सनाउल्ला बोले हालात काफी बेहतर हो गए, अब फौजी अदालतों में तौसी की जरूरत नहीं। 85% 90% आपने दहशतगर्दी पे काबू पा लिया है तो फिर आप मिलिट्री कोर्ट से हमें दूसरी तरफ नॉर्मल कोर्ट से पाना चाहिए। शहबाज शरीफ गुज़िश्ता दिनों कह चुके हुकूमत अगर फौजी अदालतों में तौसी के मामले पर राब्ता करेगी तो सोच विचार करेंगे। फौजी अदालतों की वजह से जहाँ पर दरवाजों पर फसाद की वजह से जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर बेपना उसका खात्मा हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरजुल्ला बाबर ने फौजी अदालतों में तौसी की मुखालफत कर दी। फौजी अदालत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। पीपल्स पार्टी एंड द ह्यूमन राइट्स एजेंडा ऑफ द पीपल पार्टी विल नेवर एक्सेप्ट। अगर एक दफा हो गया एक्सटेंशन दे दी, दैट वाज वन टाइम टू मच। फरतुल्ला बाबर का ये भी कहना था कि दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई, गैर मामूली कवानीन गैर मामूली हालात में नाफिज किए जाते हैं। और सोशल मीडिया सारिफीन खबरदार, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं, तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है। उनके नाम से सोशल मीडिया पर चलने वाले अकाउंट्स या पेजेस जाली हैं। चीफ जस्टिस ने FIA और PTA को जाली IDs और पेजेस ऑपरेट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। कराची में साउथ जोन पुलिस की खुसूसी स्नैप चेकिंग, डिफेंस, क्लिफ्टन, मेट्रोपोल और PIDC की सड़कों पर बैरियर्स लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है। शाहनवाज अली कादरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहनवाज बताइएगा कि कितने रोज तक ये स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा।
देखिए डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम और दहशतगर्दी के वाकयात पर डीआईजी साउथ की जाने से जो है स्पेशल टास्क दिया गया था। 3 रोजा जो है 24 घंटे की स्नैप चेकिंग का जो है सिलसिला शुरू किया गया है। इस वक्त जो है मेट्रोपोल पे भी चेकिंग का सिलसिला जारी है। मेरे साथ यहाँ पर एसएचओ मौजूद है जो इस वक्त ये मॉनिटर कर रहे हैं स्नैप चेकिंग को। स्नैप चेकिंग का एक नया तरीकेकार है, ये 24 घंटे चलेगी, 24 घंटे इसकी रनिंग होती है। ये एक नया तरीकेकार है जिसको कराची में फर्स्ट टाइम अप्लाई किया गया है। इसमें शहरियों के साथ हमारे रिलेशनशिप भी कायम होंगे, गुड रिलेशनशिप कायम होंगे और शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम गाड़ियां चेक होती हैं। जैसा कि आपने सुना कि ये 24 घंटे जारी है, ये 3 रोजा स्नैप चेकिंग है और जो स्पेशल तरीके से की जा रही है, सड़क को आधा जो है बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक कोन्स लगाए गए हैं और गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। साउथ जोन पुलिस की जानिब से 3 रोजा खसूसी स्नैप चेकिंग जारी है। शाहनवाज आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर आपको दें, गैस लोड शेडिंग शहरियों की जान की दुश्मन बन गई। रावलपिंडी में गैस लीकेज से धमाका, 2 खवातीन और 1 बच्चा जान से गए। उमर आसिफ की रिपोर्ट। रावलपिंडी में गैस लोड शेडिंग ने हस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया। स्कीम 3 के इलाके ढोक चौधरिया में 4 मंजिला फ्लैट्स के ग्राउंड फ्लोर पर रात को जलता हुआ चूल्हा गैर ऐलानिया लोड शेडिंग के बाइस बंद हो गया, वॉल्व खुला रहा। सुबह नाश्ता बनाने के लिए जलाई जाने वाली माचिस की तीली ने पूरा घर जला डाला। जोरदार धमाके से अचानक आग भड़क उठी और पूरा घर लपेट में आ गया। झुलस कर 13 साला फहद और 2 खवातीन शबनम क्यानी और हुमैरा निशाद जाँ बहक हो गयी। 6:15 के करीब ये वाकया हुआ तकरीबन, और बहुत आग शदीद थी, बाहर निकल रही थी और एक गाड़ी तो काबू नहीं कर पा रही थी। 2 लेडीज था और 1 बच्चा था और नुकसान सामान सारा जल गया। धमाका इस कदर शदीद था कि फ्लैट के शीशे और खिड़कियाँ टूट गयी। रात को कहीं बदकिस्मती से अपना चूल्हा या कोई हीटर ऑन छोड़ दिया इन्होंने दिया सलाई या लाइटर वगैरह जलाया, जिसकी वजह से आग भड़क उठी है। पुलिस के मुताबिक जहाँ भाग होने वाले अफराद का ताल्लुक गुजर खान के इलाके सखो से है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। कराची में रेबीज की वैक्सीन खत्म हो रही है और भारत से दरामद बंद हो गई है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मंगवाने के ताहाल कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। समा के नुमाइंदे शफकत अजीज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शफकत, आवारा कुत्तों ने काटा तो क्या होगा फिर? जी बिल्कुल, मुकम्मल तौर पर अब जो सरकारी अस्पताल है शहर के उनमें खत्म होती जा रही है। तकरीबन 100 से ज्यादा जो कुत्ते काटने के पेशेंट जो है शहर के मुख्तलिफ सालों में रिपोर्ट होते हैं, उनके लिए वैक्सीन जो है, इसके साथ जो वजीर सेहत है ताहाल उन्होंने कोई वैक्सीन की मंगाने के लिए नहीं किए हैं, बल्कि वो तो लाइल निकले की वैक्सीन कहाँ से दरामद की जाती है। ये वैक्सीन पहले भारत से दरामद की जाती थी, लेकिन वजीर सेहत कहती है कि ये जो है वो चीन से मंगवाई जाती थी, जो जिसने अब बंद कर दी है। और साथ उन्होंने कहना था कि कौमी इदारा सेहत से ये वैक्सीन बनाने के लिए कहा है, लेकिन वैक्सीन की तैयारी के लिए काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। अगले 2-3 माह में ये वैक्सीन किस तरह लोगों तक पहुंचाई जाएगी, जो 200-250 लोग जिनको दिन में लगाई जाती है, वैक्सीन किस तरह पूरी होगी, उन मरीजों की जिंदगी जो है वो दांव पर लग गई है। जी ठीक है शफकत, अज़रा पेचो वजीर सेहत का इस हवाले से क्या कहना है वो भी दिखाते हैं नाज़रीन को। शॉर्टेज है, एक चाइनीज़ कंपनी थी जो बनाती थी रेबीज, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है, क्योंकि उनके साथ मसला था, शायद वो कुछ पैसों का उनका मसला था, बहरहाल जो भी रीज़न था। NIH को हमने लिखा है और अपनी ज़रूरियात बता दी है, अभी NIH के पास भी इतनी गुंजाइश नहीं कि हाँ इस नंबर्स में बनाए वैक्सीन जितनी हमें दरकार है। और कराची में बाइक लिफ्टर भी सरगर्म है। करीमाबाद शॉपिंग मॉल से बाइक चोर शहरी की मोटरसाइकिल ले उड़ा, CCTV सामान हासिल कर लिया। कराची वालों को अपनी मोटरसाइकिलों की हिफाजत करना मुश्किल हो गया। करीमाबाद शॉपिंग मॉल के सामने शातिर चोर आया, जानता था चेहरा नजर आएगा तो पकड़ होगी, तो कपड़ा लपेट कर आया, इधर उधर घूमा, पार्किंग में मोटरसाइकिल का इंतखाब किया, बाइक स्टार्ट की और अपने साथ ले गया। दूसरी जानिब तैमूरिया पुलिस ने नॉर्थ नाजमाबाद में सर्च ऑपरेशन करके 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और मंशियात बरामद की गई। उधर न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से पुलिस ने गुटखा सप्लाई करने वाले ग्रोह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कलरी पुलिस ने लियाड़ी में कार्रवाई करते हुए मफरूर मुलजिम असगर खान को भी धर लिया। कराची में 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद के कत्ल में मुलविस पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 कत्ल का वाकया 2 रोज पहले औरंगी टाउन में पेश आया था। अहमद रहमान ने इसी पर रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। हमारा घर बिखर गया बाप, मैं किससे सवाल करूं?
महाफिज ही कातिल बन गया। औरंगी टाउन 14 नंबर पर पहाड़ पर बने घर में फायरिंग, जिसमें दो सगे भाई इम्तियाज और अदनान समेत उनके दोस्त नदीम का कत्ल हुआ। पुलिस ने 24 घंटे से पहले ही कत्ल के मामले को हल कर दिया। कातिल कोई और नहीं, नदीम का दोस्त तनवीर ही था, जिसने लेन देन के तनाजे पर फायरिंग की। हैरतअंगेज बात यह है कि कातिल महकमा पुलिस में सिपाही है। मुलजिम को फोन कॉल ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया है। बकौल इसके कि जी मैंने एक प्लॉट, दो प्लॉट लिए थे नजीम से और 1.5 लाख रुपए का मेरा सौदा हुआ था, और उस नजीम शख्स ने जो है इससे मजीद पैसों की डिमांड की। पुलिस का कहना है कि मुलजिम तनवीर ने वारदात के यानी शाहिदीन भाइयों को सिर्फ इसलिए कत्ल किया कि वो कहीं उसके खिलाफ गवाही ना दे दें। मकतुलीन इम्तियाज और अदनान गारमेंट्स फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। मकतुलीन भाइयों की नमाज जनाजा औरंगी टाउन में घर के करीब अदा कर दी गई और तदफीन औरंगी टाउन के मकामी कब्रिस्तान में हुई है। कैमरामैन मोहम्मद फरहान के साथ अहमद रहमान खान, समा कराची। खबर एजेंसी के इलाके अचीनी खोड़ में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके अम कमेटी बाड़ा के सरबराह को कत्ल कर दिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, क्या बताने पुलिस का इस वाके से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, ये अचनीवाला का इलाका है और अमन कमेटी के जो सरबराह थे जिले खैबर के अमीर आलम अफरीदी, जिनको जो है आज सुबह जो है फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ये पिशावर से जो है खैबर, जिले खैबर जा रहे थे अपनी गाड़ी में, तो नामालूम अफराद ने इन पर जो है फायरिंग की। फायरिंग में जो ये जख्मी हो गए थे, इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन उस दौरान ही जो है ये जहां भाग हो गए थे। पुलिस ने जो है जगह को सील कर दिया और सर्च ऑपरेशन भी पुलिस की जानिब से जारी है। इन पर पहले भी पिशावर में खुदकुश हमला हो चुका है, जिसमें ये बच चुके हैं, और ये अमन कमेटी है जिसके ये सरबराह है और बाड़ा एजेंसी के। ठीक, अफसोसनाक वाकया पेश है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया सज्जाद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एएनएफ ने मनुष्यात स्मगलिंग की एक और कोशिश नाकाम बना दी। एएनएफ के मुताबिक मुलजिम कमर गुल निजी एयरलाइन की परवाज से दोहा जा रहा था। मुलजिम ने 3.25 किलो चरस बैग की तह में छुपा कर रखी थी। एएनएफ ने बैग से मनुष्यात बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कमर गुल का ताल्लुक कुरम एजेंसी से है। फैसलाबाद की 75 तरक्याती स्कीम्स फंड ना होने की वजह से बंद पड़ी हैं। पंजाब हुकूमत ने 11 माह से स्कीम्स की फंडिंग रोकी हुई है। मेयर फैसलाबाद रज़ाक मलिक कहते हैं उनके मुलाजमीन को डराया धमकाया जा रहा है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से। उस्मान, दीगर क्या मामला बताया मेयर फैसलाबाद ने? जी बिल्कुल, मेयर फैसलाबाद से हमारी इस हवाले से बात हुई, जिनका यह कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं पंजाब हुकूमत के खिलाफ के 11 माह से उनके तरक्याती फंड्स में दीगर जो रकम है वो पंजाब हुकूमत ने रोकी हुई है। 1.5 अरब के करीब ये तमाम जो फंड्स हैं वो बनते हैं। मेयर राग मलिक की जानिब से ये भी कहा गया कि जो PTI के MPAs हैं वो उनके काम में मुदाखलत करते हैं, उनके वर्करों को इस हवाले से डराया जाता है कि उनके तबादले करवा दिए जाएंगे, जबकि जो DC फैसलाबाद है उन पर भी इल्जाम लगाए हैं मेयर फैसलाबाद ने कि वो उनके दफ्तरी मामलात में दखल अंदाजी करते हैं। इस वाले से मेयर का यह भी कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस तमाम मामले पे प्रूफ भी जो है वो मुहैया करेंगे कि उनके साथ जो है वो नाइंसाफी की जा रही है, उनके तमाम जो फंड है वो रोके हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो शहरी हैं वो इन मसाइल में मुश्किलात का शिकार है। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पीने का साफ पानी नहीं मिलता, शहर जो है वहां पर सिवरेज के मसाइल है, ठीक है, और शहर गंदगी का ढेर बना हुआ है। उस्मान, आप तो हमें आगाह कर ही रहे हैं, मेयर फैसलाबाद की जानिब से क्या मौकिफ अपनाया गया वो भी आपको बताते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट आई सी तब से लेके टिल अब तक हमारे जो टेंडरिंग प्रोसेस है टोटल वो रुका हुआ है, और उसके बाद जितने भी डेवलपमेंट के फंड हैं वो हमें जारी नहीं हो रहे। तकरीबन 1 अरब से ऊपर की अमाउंट बन जाती है। PTI के कुछ MPAs हैं जो डरा धमका के हमारे स्टाफ को उनके तबादले करवा रहे हैं और वो अपने मन मर्जी के काम यहाँ से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। बाकी 3 सूबों में काम हो रहे हैं और सिर्फ स्पेशली ये सिर्फ सूबा पंजाब है जिसमें किसी को भी काम करने नहीं दिया जा रहा। बड़ी खबर शामिल करेंगे लाहौर की एहतसाब अदालत से। पैरागॉन हाउसिंग केस में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। लाहौर एहतसाब अदालत ने यह केस हुआ, पैरागॉन हाउसिंग केस में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। ख्वाजा बिरादरान के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त पेश की गई। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। अदालत जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करे ये कहना था वकील ख्वाजा बिरादरान का। बैंक अकाउंट्स की तफ्तीश जारी है, मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए, नैब की जानिब से यह मौकिफ अपनाया गया।
और आपको मजीद अपडेट्स ये भी दें कि ख्वाजा बिरादरान के वकील की जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत, जिसमें नैब के पास साद रफीक का कोई अकाउंट नहीं, ये मौकिफ अपनाया गया वकील की जानिब से। वकील साद रफीक, बिल्डर्स के साथ तमाम लेन देन का रिकॉर्ड मौजूद है। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। वादी नीलम का रुख करने वालों की मौजें हो गईं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे मुजफ्फराबाद से समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल से। अमीर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में दो रोज़ के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर बालाई इलाकों में बर्फ़बारी, जबकि शहरी इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश हो रही है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, वादी लिपा करना समेत दीगर जो बुलंद तरीन अजला हैं उनमें बर्फ़बारी गुज़श्ता रात से जारी है, जिसकी वजह से जो है एक मरतबा फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बर्फ़बारी के बायस जो गुज़श्ता हुई थी उसकी वजह से कई राबता सड़कें बंद हुई थी, उनमें से कुछ तो अब भी बंद हैं, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के सियाती इलाके हैं उनमें जो है रसाई अब तक मुमकिन है, क्योंकि राबता सड़कें खुली हैं। सियाहों के लिए खुशखबरी ये भी है कि अगले चार रोज़ तक वक्फे से इन इलाकों में बर्फ़बारी का इम्कान है और ये रास्ते भी खुले हैं, टेलीफोन बिजली का निज़ाम भी बहाल है और वो आ सकते हैं। अपडेट से शुक्रिया अमीर। अब आपको लिए चलते हैं हज़ारा डिवीजन के सियाहती मकाम शोग्रा, जहाँ बर्फ़ से ढके पहाड़ों और सड़कों ने वादी को मजीद हसीन बना दिया। सयाह इस ठंडे ठार मौसम से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। आतिफ कयूम ने इसी पर रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। शोगरा के हसीन नज़ारे मन गुदगुदाने लगे। बर्फ से ढके पहाड़, घने और हसीन जंगलात, हर सिम्प सफेदी छाई तो मनचले भी पहुंच गए। खून जमा देने वाली सर्दी में सयाहों ने खूब मौज मस्तियां की। ये बहुत खूबसूरत जगह है, लोगों को यहाँ आना चाहिए और स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत है, अपना पाकिस्तान ही इतना खूबसूरत है। बर्फ पोश वादी में लोगों ने जमकर तफरी की, स्लाइडिंग के मजे लिए। हम लोग कराची से आए हैं बच्चों के साथ, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बर्फबारी हो रही है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इधर। हर सू फैली हरियाली और सुहाने मौसम ने सयाहों को दीवाना बना दिया है। आतिफ कयूम, समा, वादी शोग्रा। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। काफ लीग का मुशावरती इजलास इस्लामाबाद में तलब, इत्तेहाद के मामलात का जायजा लिया जाए। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब से मुलाकात पर आगाह करेंगे। चौधरी शुजात, तारिक बशीर चीमा, मोनिस इलाही इस्लामाबाद में मौजूद। कराची में रेबीज की वैक्सीन खत्म, वैक्सीन कहां से दरामद होती है, वजीर सेहत लाइल। महकमा सेहत ने कोई इकदाम नहीं किए, कुत्ते काटने के रोजाना 100 केसेस रिपोर्ट। और खैबर एजेंसी में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, सरबरा अमन कमेटी बाड़ा मलिक मीर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मलिक मीर आलम अफरीदी पेशावर से बाड़ा जा रहे थे। शैतान का मुजस्मा या फन पारा, लाहौर के अजायब घर में देव हैकल मुजस्मे हटाने के बाद नुमाइश भी मुलतवी कर दी गई। मुजस्मे के खालिक और अजायब घर इंतजामिया ने वजाहत के बावजूद सोशल मीडिया पर इनके हवाले से तनकीद जारी है। लाहौर से देखिए तहमीन अहमद की रिपोर्ट। इंसानी वहशत की अकासी या शैतान की सूरत, हैबतनाक मुजस्मे पर सोशल मीडिया पर बहस जारी। लाहौर अजायब घर में रखे मुजस्मे का मामला अदालत पहुंचा तो पहले उसे ढांपा फिर हटाया गया और अब नुमाइश ही मुलतवी कर दी गई। इंसान के अंदर हैवान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया तो ये उसकी सारी अकासी कर रहा था, लेकिन उसको एक कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ तो अब हमने उसको वापस उस पंजाब यूनिवर्सिटी को वापस कर दिया, अब वो उस बच्चे की मलकियत है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी आर्ट एंड डिजाइन के तालिब इल्म और मुजस्मे के खालिक ने उसे दरिंदगी को जाहिर करने के लिए तसवराती किरदार करार दिया। ये मेरा थीसिस वर्क था और इसमें कोई मेरे माइंड में ऐसी बात नहीं थी, शैतानी बात या मेरे माइंड में शैतान नहीं था, बिल्कुल नेगेटिविटी को फैलाया जा रहा है कि शैतान शैतान, सर शैतान तो किसी ने भी देखा हुआ। मुजस्मा शैतान का है या नहीं, इस बहस से हटकर उल्मा कराम मुजस्मा साजी को ही ममनू करार देते हैं। वो तखयुल जिस भी शख्स का है, बहरहाल उसे उसके बारे में पूछा भी जाएगा, सवाल किया जाएगा, ये तखलीक जो तुमने की है ये अब इसमें जान भी डालो, क्योंकि जो तखलीक का अमल है ये सिर्फ अल्लाह वादहु ला शरीक के लिए रवा है। अजायब घर की इंतजामिया लाहौर हाई कोर्ट को मुजस्मा रखने की वजूहात से आइंदा हफ्ते आगाह करेगी। कैमरा टीम के साथ तहमीन अहमद, समा, लाहौर। वफाकी वजीर पेट्रोलियम के शहर में डीजल और पेट्रोल का नेमुल बदल ढूंढ लिया गया। मुतबादल तवानाई दरियाफ्त करने वाले शख्स का ये दावा है कि डीजल से 50% सस्ती होने के साथ ये टेक्नोलॉजी माहौल दोस्त भी है। टेक्सला से आबिद अली की रिपोर्ट।
यह है जानवरों और मुर्गियों से हासिल की गई चर्बी, जिसे देसी तरीकों से तब्दील किया जा रहा है इंजन चलाने के सस्ते ईंधन में। तवानाई का ये नया फार्मूला मुतारफ करवाने वाले इंजीनियर अख्तर कहते हैं इस आयल से जनरेटर चलाने का कामयाब तजर्बा कर चुके हैं। खालस चर्बी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है और ये सस्ती हमें डीजल से आधा रेट तकरीबन पड़ती है। ये पोल्यूशन फ्री है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो नहीं निकलेगी। चर्बी से गाड़ियां चलाने वाला आयल तो तैयार कर लिया गया, मगर ये 32 डिग्री से कम दर्जा हरारत पर जम जाता है। चौधरी अख्तर कहते हैं इस हवाले से माहिरीन के साथ बातचीत चल रही है, मसला जल्द हल हो जाएगा। उसके लिए जो EMB कॉलेज है उन्होंने मुझसे कल प्रॉमिस किया है, जो कंट्रोल ऑटोमेशन है इसका टेम्परेचर के लिए हमारे पास सेंसर है, वहाँ उनकी लेबोरेटरी है बकायदा, वो मेरी यहाँ आकर हेल्प करेंगे तो हम इसको फिर फुल ऑटोमेटिक कर देंगे। तवानाई की किल्लत पाकिस्तान का बड़ा मसला, अगर चौधरी अख्तर का फार्मूला मुकम्मल कामयाब हो गया तो मुल्क की तरक्की में अहम पेशरफ्त होगी। कैमरामैन ज़ियाफ़त अब्बासी के साथ आबिद अली, समा इस्लामाबाद। मिनी बजट की बात करते हैं। मुजव्वजा मिनी बजट में नॉन फाइलर्स के लिए अच्छी खबर है, जबकि तनख्वाहदार तबके के लिए बुरी खबर है। गाड़ी की खरीदारी के लिए फाइलर बनने की शर्त खत्म करने और इनकम टैक्स की छूट 12 लाख से कम करने की तजावीज़ पर गौर जारी है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। मिनी बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा या फिर मजीद बोझ पड़ेगा, टैक्स तजावीज की तैयारी पर काम जारी। वजीर आजम इमरान खान के साथ वजीर खजाना असद उमर समेत मुआशी टीम की अहम बैठक। नॉन फाइलर्स पर आयद गाड़ी की खरीदो फरोख्त की पाबंदी उठाने की तजवीज जेरे गौर आई। तजवीज की मंजूरी की सूरत में नॉन फाइलर्स भी गाड़ी के मालिक बन सकेंगे। FBR हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता बजट में नॉन फाइलर्स पर पाबंदियों से टैक्स रेवन्यू में 2.8 अरब रुपए की कमी आई। हुकूमत की मुआशी टीम की तनख्वाहदार तबके को हासिल इनकम टैक्स छूट की हद में कमी की तजवीज़। टैक्स छूट की हद 12 लाख रुपए से कम करके 8 लाख रुपए तक लाने पर गौर। वजीर खजाना असद उमर 23 जनवरी को पार्लियामेंट में मिनी बजट पेश करेंगे। बजट में सरमायाकारों, बरामद कुनिंदगान और सनतकारों को रिलीफ देने का दावा किया जा रहा है। शकील अहमद, समा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में सरकारी रिहायशगाहों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ स्टेट ऑफिस का एक्शन जारी है। तकरीबन 90% कब्जे खत्म करा लिए गए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे हबीब अहमद से। हबीब, कौन कौन से इलाकों में किए गए ऑपरेशन? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में तजावजात के बाद सरकारी रिहायशगाहों पर काबजीन का जो कब्जा था उसके खिलाफ भी स्टेट ऑफिस एक्शन में आ गया और तकरीबन 563 ऐसी रिहायशगाहें थी जिनमें गुज़श्ता 14 साल के दौरान कब्जा किया गया था। कुछ ऐसे लोगों की जो रिटायर्ड मुलाजमीन थे और ऐसे जो कुछ लोग वफात पा गए थे उनके अहले खाना ने, तो 563 में से 511 जो घर थे वो खाली करवा लिए गए हैं, जबकि बाकी तकरीबन 50 के करीब ऐसे जो घर जिनको वक्त दिया गया है स्टेट ऑफिस की तरफ से कि जल्द से जल्द आप घर खाली कर। और कुछ ऐसे लोग केसेस भी सामने आए हैं जिन्होंने अदालत से रजू कर लिया गया और उनमें से अदालत ने भरपूर एक्शन इंतजामिया की जानिब से जारी। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया हबीब। एशियन जूनियर टीम स्क्वाश चैंपियनशिप का सेमीफाइनल आज पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। थाईलैंड में जारी चैंपियनशिप में कौमी खिलाड़ियों की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में आज हांगकांग के मध्य मुकाबला आएगा। आखिरी पुल मैच में पाकिस्तान ने मेजबान थाईलैंड को 3-0 से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान के हमजा खान, फरहान हाशमी, अब्बास सेब ने हरीफ प्लेयर्स को हरा कर मैचेस जीते थे। पेशावर में होने वाली पहली खवातीन साइकिल रेस एहतजाज की नजर हो गई। माजरा क्या है जानते हैं फयाज अहमद की इस रिपोर्ट में। पेशावर में पहली बार खवातीन साइकिल रेस का ऐलान हुआ तो इंतजामिया ने सूरत हाल बिगड़ते देखकर जारी करदा NOC मंसूख कर दिया। JUI बोली खवातीन की साइकिल रेस नहीं होगी तो एहतजाज भी नहीं करेंगे। इवेंट ऑर्गेनाइजर का कहना है कि हम दुनिया को अमन का पैगाम देना चाहते थे। हमारे जो मजहब के बड़े हैं उन्होंने कहा कि मजहब के खिलाफ है, हमारे कल्चर के खिलाफ है। हमने कहा अगर कुछ भी अगर ऐसा उनको महसूस हो तो हम इसको जो है पूरा टाइम भी कैंसिल कर देते। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में सूबाई वजीर इत्तलात शौकत यूसुफ जई बोले एतराज खवातीन के खेल पर नहीं बल्कि मसला सिक्योरिटी की सूरत हाल का है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उनको सिर्फ इस खदशे के सहार के लिए हमें लोग क्या कहेंगे, हम उनको सड़कों पे ले आए, साइकिल चलाए और पीछे से कोई ऐसे कारनामा कर ले। DG स्पोर्ट्स और पुलिस कहती है कि खवातीन साइकिल रेस की इजाज़त नहीं ली गई थी, जबकि मुंतजमीन का कहना है कि साइकिलिंग का इनेकाद पख्तून लिबास और बुरके में कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।